किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों यहां पर के प्लाट में लगभग 5.5 एकड़ का प्लाट है हमारा और यहां पर जो है हमने 3 वेराइटियां लगाई हुई है, लगभग 2-2 एकड़ के हिसाब से है तो 6 एकड़, लेकिन 5.5 से कुछ ज़्यादा है, 6 से कम है, तो लगभग 2-2 एकड़ के हिसाब से मान लें तो हम लोग यहाँ 3 वेराइटियाँ लगाए हुए हैं। उसी के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहली बता देते हैं, ये है हमारा बाहुबली धान। इसकी बाली देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बालियाँ आती है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे इस बार थोड़ा छोटा बाली दे दिया फसल ने। इसमें कुछ खाद का भी कारण हो सकता है, बाकी कहीं पर देखेंगे तो ज़बरदस्त बालियाँ आपको नज़र आ रही होगी। मतलब पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो इस साल थोड़ा जो धान का परफॉर्मेंस है, जो हमारे बाहुबली जो 22 धान है उसकी परफॉर्मेंस है, थोड़ा ढीले हैं, लेकिन है तो बहुत बेहतरीन। इसमें एक अच्छी बात यह है कि हमारी फसल में जो है लगभग तना छेदक बहुत कम है, तना छेदक इस वेराइटियों में कम है, जैसे अन्य वेराइटियों को, जैसे यहाँ हमारे देख पा रहे हैं ये पड़ोसी किसान का खेत है, इस पर जो है लगभग 50% तना छेदक से ग्रसित है बालियाँ, और अब देख पा रहे हैं वीडियो में, तो उस हिसाब से इस हमारे वेराइटियों को देखा जाए बाहुबली 22 को, तो इसमें जो है तना छेदक बिल्कुल लगभग कम है, लगभग आप कह सकते हैं कि 100 बालियों में एक बाली जो है बदरा है और बाकी स्वच्छ है, ये देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा बाहुबली धान लगा हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहता है। रिसर्च वेराइटी है, बहुत सस्ते वेराइटी है, लगभग 60 से 70 रुपए प्रति किलो आपको मार्केट में ये मिल जाती है और बहुत अच्छा उत्पादन देता है। एक मीडियम रेंज का लगभग 25 से 26 क्विंटल तक ये उत्पादन दे देती है। इधर देखिए ये पूरा बाहुबली वेराइटी लगी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि तना छेदक लगभग 2% है, मतलब 100 बालियों में एक बाली जैसे तना छेदक से ग्रसित है, बाकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। अब बता चलते हैं हमारे दूसरे वेराइटी, इधर जो है पूरा बाहुबली लगा हुआ है देख पा रहे हैं। उसके बाद जैसे हम यहाँ ऊपर से गिराएं तो ये 2 एकड़ लगभग, तो यहाँ लगा है सिंधु का, अब परफॉर्मेंस देख पा रहे हैं, बालियाँ जबरदस्त की हुई है, बहुत घना धान है फिर भी बालियाँ बहुत बेहतरीन है। तना छेदक की बात करें तो लगभग 10% इसमें तना छेदक है, मान लीजिए 100 पौधे की बात करें तो 100 पौधों में आपको 10 पौधे तना छेदक दिखेंगे, 90 पौधे स्वच्छ हैं, तो इस प्रकार 10% इसमें आपको तना छेदक देखने को मिलेगा। देख पा रहे हैं तना छेदक का पता नहीं इस बार कैसे बहुत ज़्यादा जो है प्रकोप हुआ है, बाकी हम लोग जो इंसेक्टीसाइड डालने में कोई ढीले नहीं गए हैं, ज़बरदस्त तरीके से हर प्रकार के इंसेक्टीसाइड डाले हैं तब जाके हमें इतना कंट्रोल हुआ है, बाकी जिन्होंने ढीले किए हुए हैं इंसेक्टीसाइडों में तो उनका तो आप पूछिए मत, भयंकर तरीके से इस साल तना छेदक का प्रकोप हुआ है। ये हमारा सिंधु धान की वेराइटी है, देख पा रहे हैं धान तो ज़बरदस्त है, लगभग 10% की तना छेदक है तो भी हम बोल सकते हैं कि 30 क्विंटल के आसपास उत्पादन कहीं नहीं गया है। अब हम जो है तीसरे वेराइटी की तरफ चलते हैं, तीसरे वेराइटी की बात करें तो ये भी लगभग 2 एकड़ में करीब लगा हुआ है, ये है रियल एग्री का जो मंजू गोल्ड वेराइटी है, मंजू गोल्ड है, और इस धान को मैंने पहली बार लगाया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। तना छेदक की बात करें तो लगभग 5% इसमें आपको तना छेदक दिखने को मिलेगा, मतलब लगभग कहा जाए तो 100 बालियों में 5 बालियाँ तना छेदक है, मतलब बाहुबली से कुछ ज़्यादा है इसमें तना छेदक, लेकिन परफॉर्मेंस जो है बाहुबली से कई बेहतरीन है और बहुत ज़बरदस्त इस धान की परफॉर्मेंस है। फिलहाल उत्पादन के बारे में तो मैं इस धान से रूबरू नहीं हूँ, लेकिन लगभग मेरे अनुभव से देखा जाए तो लगभग इसमें 25 से 28 क्विंटल के आसपास मेरे को उत्पादन मिल ही जाएगा। ये देख पा रहे हैं ये हमारा मंजू गोल्डन धान की वेराइटी है। किसान साथियों आपने किन किन वेराइटियों का बुआई किया है और सबसे अच्छी बुआई परफॉर्मेंस आपकी किस वेराइटी का है, एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंध में जानकारी
मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।